नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां पर पूरी तरीका से करण जो कि पूरी प्राइस में बोली लगा देता है, जी हां, करोड़ों रुपए की बोली लगाने के बाद में जो कि वहां से पृथ्वी भी चला जाता है, क्योंकि पृथ्वी को धक्का मार के सिक्योरिटी ले जाती है, क्योंकि पृथ्वी को पता नहीं था कि ये करण है और उनसे बोलता है कि मैं ये सब कुछ खरीद कर और इन लोगों के सामने ही इनके बेड में आग लगाऊंगा। जिसके बाद में दोस्तों करण सभी को बता देता है कि ये आदमी ये करने वाला है। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि असली गेम तो अब स्टार्ट होने जा रहा है ऋषभ और प्रीता की लाइफ में, क्योंकि दोस्तों इधर करण ने अब ठान लिया है कि किसी भी तरीका से इन लोगों को इनकी औकात तक ले जाना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि करण के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि किसी भी तरीका से लूथरा परिवार में से ऋषभ और प्रीता की सच्चाई को सभी लोगों के सामने आना। लेकिन दोस्तों जो फैमिली वाले होते हैं, जैसे ही करण उनके करीब होता है तो उन्हें एहसास होता है कि कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर है इस शख्स से हमारा। लेकिन दोस्तों जब से करण की सर्जरी हुई है, इन लोगों को पता नहीं है कि ये कोई और नहीं है बल्कि इन्हीं का ही घर का बच्चा, यानी कि वो करण ही है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि करण लूथरा एक ऐसे महान प्लेयर थे कि जिनकी इस समय हर चीज़ को नीलाम किया जा रहा है ताकि आने वाले स्टेडियम में उनका बहुत बड़ा योगदान हो सके। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अपकमिंग एपिसोड आपके लिए काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब प्रीता और ऋषभ एक दूसरे के साथ में किसी बात को लेकर जो कि सस्पेंस क्रिएट करेंगे। उसके बाद में करण को लगेगा कि इन दोनों की लव स्टोरी आज भी कंटिन्यू है। लेकिन दोस्तों करण को नहीं पता इस चीज़ को कि इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि करण को तो यही लग रहा कि इन लोगों ने मुझे मारा है और इस चीज़ का बदला मैं इनसे लेकर ही रहूँगा। साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय प्रीता सबसे ज़्यादा टेंशन में चल रही है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं आज करण की याद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कीजिए एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू।